हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ख़ास जानकारी दे रहा हूँ कि आप अडेनियम को बिना पानी के कितने दिनों तक रख सकते हैं। ये इस ख़ास जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मेरा आज लगभग 1.5 साल के ऊपर का प्लांट हो गया होगा, जो कि ये गलती से मेरे एक रूम में रखा था, उसमें ये नीचे गिर जाने से छूट गया था। ये लगभग 11 महीने बाद मैं इसको देखा हूँ, इसलिए केवल छांव में था और अंदर था। आप अडेनियम को इतना छोटा अडेनियम इतना दिन रह सकता है, आप बड़े अडेनियम तो 2 महीने 3 महीने बिना पानी के आराम से रख सकते हैं। मैं तो इसको फेंकने के जा रहा था, इसके ऐसे नौपति जड़ रूट सूख चुका था एकदम, तो अभी एक बार वाटरिंग किए से ये अब धीरे धीरे, आज दूसरी बार किया हूँ वाटरिंग इसमें, और देखिए अब इसका ग्रोथ चालू हो गया है। और आपको पानी भी मेंटेन करना चाहिए, जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है उस समय फ्रेंड आपको फ्लावरिंग के लिए आपको इसको जो वाटर लेवल है इसको मेंटेन रखना होता है, नहीं तो ये इसी तरह नीचे की तरफ यानी कि मुरझाया रहता है। जब फ्लावरिंग रहती है उस समय इसको पानी मेंटेन रहने से ये एकदम फ्लावर एकदम मस्त रहता है।